एक आम राय बन गई है कि अगर आपको ओटीटी डिजिटल पर फिल्म लानी है तो उसमें बहुत सारा मार धार, थ्रिल, एक्शन, सेक्स इसकी भरमार करेंगे तभी जाकर फिल्म चलेगी। इन तमाम धारणाओं को तोड़ती हुई नजर आती है चिंटू का बर्थडे नाम की खूबसूरत स्वीट फिल्म। सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट की है जो अपनी मासूमियत और सच्चाई और आशाओं के साथ आपके दिल में उतर जाती है। मैं रिव्यू शुरू करने से पहले आपको कहूंगी ज़रूर इस वीकेंड आप 1 घंटे 20 मिनट का वक्त निकालें क्योंकि ये फिल्म वाकई देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानी है विनय पाठक यानी मदन तिवारी के परिवार की जो बगदाद में जाकर फंस गया है। आरओ बेचता था या पर यहाँ से उसे वहाँ भेज दिया गया। उसका परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, सास है और छोटा सा बच्चा है चिंटू जो सिर्फ अपना जन्मदिन मनाना चाहता है। अब बगदाद में अमेरिकी सैनिकों का जो है सद्दाम हुसैन जो है जिस समय जेल गए हैं और ट्रायल्स चल रहे हैं और अमेरिकी सैनिक वहाँ पर तैनात है, उस समय की कहानी है। अलग माहौल है, डर का साया है, अपना जन्मदिन मनाना चाहता है और अपरेंटली उसका कोई जन्मदिन नहीं मन पाया क्योंकि देश की परिस्थितियाँ ऐसी रही। तो उसकी छोटी सी ख्वाहिश है कि उसके बर्थडे पर एक केक बने, अच्छा खूबसूरत सा केक हो, थोड़ा सा डेकोरेशन हो, उसके दोस्त आए, सब हैप्पी बर्थडे टू यू गाएं और उसका बर्थडे मन जाए। 6 साल का है ये बच्चा और माँ बाप जो युद्ध के साए में वहाँ के आतंक के साए में अपने बच्चों के साथ एक आशा की किरण, ज़रा भी इस बात का वो एहसास नहीं होने देते कि हम किसी बुरी परिस्थिति में हैं, बर्थडे नहीं मन पाएगा या आम पेरेंट्स की तरह कि अरे बर्थडे छोड़ दो बाद में मना लेंगे, जान बचानी है। नहीं, पॉजिटिविटी उस छोटे छोटे क्षण में, इंडिया लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, क्या परिस्थिति, उस पर भी हम बिहार ज़रूर जाएंगे। उस पूरे घर में बगदाद में रहते हुए भी उस कमरे में आपको बिहार जिंदा दिखाई पड़ेगा। इस फिल्म को बच्चों की फिल्म समझने की भूल मत करिएगा। पोस्टर देखकर ये बच्चों की फिल्म नहीं है, ये बच्चा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मगर ये फिल्म बच्चों एडल्ट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। और दूसरी बात, फिल्म का माइनस पॉइंट एक ये भी है कि जो वहाँ पर बहुत सारा लंबा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, बगदाद की लोकल लैंग्वेज में बातचीत की जाती है वो डायलॉग आपको सबटाइटल पर डिपेंड रहना पड़ता है, वो कहीं मज़ा थोड़ा कम करते हैं। और बहुत खूबसूरत क्षण है, मैं एक्टिंग की बात करूं तो इसमें सवाल जो अमेरिकी सैनिक आते हैं उनका थोड़ा कैरेक्टर मुझे थोड़ा फिशी लगा, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा और ना रियलिस्टिक लगा। एनीवेज वो एक फ्लॉज है। अदरवाइज विनय पाठक की एक्टिंग के बारे में मैं क्या कहूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वो बाथरूम में नहाते नहाते हनुमान चालीसा शुरू कर लेते ताकि उनका काम जल्दी निपट जाए। बच्चों को जिस तरह से बच्चों से बात करते हैं, एक स्वीट सा विनय पाठक के कैरेक्टर में एक कुछ बात है जो आई एम रियली शॉक कि पिछले इतने सालों से उनको उस तरह काम नहीं मिला जो उनका कैलिबर था। पर उनकी एक्टिंग के बारे में कमेंट करने के लिए आपको खुद महारत हासिल होनी चाहिए। उनकी वाइफ का किरदार तिलोत्तमा शोम ने निभाया ज़बरदस्त। अगर उन्हें अच्छे रोल्स नहीं मिले तो ये बहुत बुरी बात है। क्या कैलिबर है, क्या गाना गाया उन्होंने, गाना गाया है काले जामुन, एक बहुत लोकल गाना बिहार का ज़रूर सुनेगा आपको। उनका इन सब का बेटा वेदांत राज छिब्बर, ओ माय गॉड, 6 साल का ये बच्चा आपका दिल जीत लेगा अपनी मासूमियत के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ। सीमा पावा जो विनय पाठक की सास बनी है वो बगदाद में अपने आप को फंसे होने का कारण विनय पाठक को मानती हैं और जो डायलॉग्स उस दौरान बोलती हैं वो इम्पैक्टफुल हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इतनी नेगेटिविटी लॉकडाउन के दौरान कोरोना को लेकर के हम सब, इतना डिप्रेशन, मास डिप्रेशन देश दुनिया भर में हो रहा है, वहाँ आतंक के साए में बसा हुआ एक परिवार, एक माँ बाप अपने परिवार को, सिर्फ माँ और बाप दो जन कैसे पॉजिटिविटी की सीख देते हैं, कैसे वो उनके जहन में से डर निकालते हैं, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों को एहसास ही नहीं कि वो किस परिस्थिति में, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको इतना प्रोटेक्टेड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखा है। मुझे लगता है चिंटू का बर्थडे बहुत ज़्यादा स्वीट फिल्म है और ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं ज़बरदस्ती कहूँगी कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये 1 घंटे 20 मिनट जो है आपके बर्बाद नहीं होंगे। इस फिल्म को दूंगी मैं 4 स्टार क्योंकि वाकई 5 स्टार के लायक थे। कुछ थोड़े से फ्लॉज नहीं होते तो मैं इस फिल्म को ज़रूर 5 स्टार देती। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो जल्दी से Z5 पर जाइए, इस फिल्म को देखिए, वापस आकर कॉमेंट करके मुझे बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी।